हाँ जी राजे, BCA 2 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स और MSc IT मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स वेलकम है तुहाडा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की क्लास के विच। आपां ने प्रीवियस लैक्चर के विच ग्राफ थ्योरी चैप्टर स्टार्ट किया होया सीगा, इहदियां बेसिक डेफिनेशनस कीतियां सी, प्रॉपर्टीज़ कीतियां सीगियां, एग्जाम्पल्स भी कीतियां सी काफ़ी, इहदियां तीन थ्योरम्स कंप्लीट कर लईआं सी। अज्ज आपां फोर्थ थ्योरम स्टार्ट करन लग रहे हैं। देखो तो फोर्थ थ्योरम की स्टेटमेंट की है, शो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन ए सिंपल ग्राफ ऑफ एन वर्टिसेस इज एन इनटू एन माइनस वन बाय टू। पहली गल तो आप सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन रिकॉल करिए, सिंपल ग्राफ वो होंदा जिदे विच ना तो कोई पैरल एज होंगे ना ही लूप होंदा, लूप होंदा जिहड़ा इको ही वर्टैक्स तो इको ही वर्टैक्स नाल मिलदा एज। पैरल एज कहे होंगे जिदे दो वर्टैक्स के विचकार एक तो ज्यादा एजेस लगे होंगे, शुरू भी उस वर्टैक्स तो होंगे, खत्म भी उस आके होंगे। सो सिंपल ग्राफ के ना तो कोई पैरल एज आ ना ही कोई लूप आ, एच एजस की वध तो वध गिनती किन्नी आ, एन इंटू एन माइनस वन बाय टू है, ये आपने प्रूव करनी है। सो सब तो पहले तो आप किन्ने वर्टैक्स कहा होया, एन वर्टैक्स कहा होया, तो यह मतलब वी वन वी टू तो लैके वी एन तक आप वर्टैक्स मान लें, ई नंबर ऑफ एजस मान लें। एक ग्राफ थ्योरी की फस्ट थ्योरम ऑन ग्राफ थ्योरी सी हैंडशेकिंग थ्योरम के सम ऑफ ऑल द डिग्रीज ऑफ वर्टिसिज इक्वल्स टू द ट्वाइस द नंबर ऑफ एजस, के सारे वर्टैक्स की डिग्री का जो टोटल करिए एजस के दुगने के बराबर आता। तो आपने आ चीज़ लिख ली, इहदा मतलब आपने ये कहता कि डिग्री ऑफ वी वन प्लस डिग्री ऑफ वी टू अप टू सोन डिग्री ऑफ वी एन कि बराबर है, ट्वाइस का नंबर ऑफ एजस के बराबर आ, एजस के दुगने के बराबर आ। हुण आपां सिंपल ग्राफ की जो गल करिए, सिंपल ग्राफ वो होंदा जिदे विच किसी ग्राफ किसी भी वर्टैक्स की डिग्री वध तो वध कितनी आ, एन माइनस वन है। मान लो मैं एक छोटा जिहा ग्राफ सिंपल ग्राफ ड्रॉ करदा आ वाला, इहदे चार वर्टैक्स ने ए बी सी अते डी। हुण इहदे विच किसी वर्टैक्स की डिग्री वध तो वध कितनी आ, मान लो ए दी डिग्री इत्थे कितनी आ, दो आ। जे आपां ए दी डिग्री होर वधाउणी आ तां की काम करिए, की नाम आ भी तेरा, जिशान। जे आप ए दी डिग्री वधाउणी आ तां की करना पऊगा, एज लाउणे पैणगे, इहदे नाल एज लाउणे पैणगे। ए दा बी दे नाल एज जुड़िया होया, ए दा डी दे नाल एज जुड़िया होया, आ नहीं एज जुड़िया होया, आ भी आपां जोड़ लैंदे आ, लो आ भी लाता। जे होर डिग्री वधाउणी होवे रुड़का पिंड, होर की करिए, एक होर एज लावांगे, कित्थों किधरों लाइए, बी तो नहीं ए तो गल करो, ए दी गल कर रहे हैं आपां, ए तो किधरों एज लाइए, एक मिनट एक मिनट, सैल्फ लूप 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 लगना नहीं सिंपल ग्राफ, ए तो किहड़े वर्टैक्स तक लाइए, बी ते लाइए, सी ते लाइए, डी ते लाइए, दसो मैनू, है होर नहीं लगना, क्योंकि जे आपां ए तो बी लावांगे आ पैरल एज बन जूगा, जे आपां ए तो सी लावांगे, मान लो तुसीं सोच रहे हो भी ए तो सी ला दईए एवें, तां आ वी तां इक पैरल एज ही बन गया। पैरल एज की हुंदा, दो जां दो तो वध एज जिहड़े शुरू भी इक्को ही वर्टैक्स ते हुंदे आ, खत्म भी सेम ते हुंदे आ। सो अपने कोले ए तो सी भी नहीं लगना, जे तुसीं सोचदे हो ए तो डी ला दईए तां वी पैरल एज बन जूगा, इहदा मतलब ए भी नहीं लगना। तां सिंपल ग्राफ दे विच होर एज नहीं लग सकदे, इह कंप्लीट है। वध तो वध आ ला सकते हो तुसीं, बी तो डी वालों ला सकते हो, हाँ जी किवें, हाँ ए दी गल हो रही सी, बी दी भी गल कर सकते हैं आपां, जरूरी थोड़ी है ए दी गल करना, आपां एनी वर्टैक्स की गल करनी है। सिंपल ग्राफ ऑफ एनी वर्टैक्स, एनी का मतलब कोई भी हो गया, जरूरी नहीं हैगा भी आपां ए दी गल करिए, आपां बी दी भी गल कर सकते हैं, आपां सी दी भी गल कर सकते, आपां डी दी भी गल कर सकते हैं, क्योंकि एनी वर्टैक्स आ गया। हुण किसी भी वर्टैक्स की डिग्री इत्थे वध तो वध कितनी आ रही है, डिग्री ऑफ वर्टैक्स की हुंदा, जिन्ने एज उहदे नाल जुड़े हुए ने उहनां दी काउंटिंग। हुण ए दे नाल किन्ने एज जुड़े हुए ने, इक आ सी एज, दूजा एज आ सी, तीजा एज आ सी, इहदा मतलब ए दी डिग्री किन्नी होगी, तीन। बी दी किन्नी होगी, एक दो अते तीन। सी दी किन्नी होगी, एक दो अते तीन। डी दी किन्नी होगी, एक दो अते तीन। ये ग्राफ दे कुल वर्टैक्स किन्ने सीगे, चार, एक दो तीन चार, तां वध तों वध डिग्री किन्नी आई आ, तीन। इहदा मतलब एक रिजल्ट है यह
कि जे कोई भी मैक ग्राफ है एन वर्टेक्स वाला तो वह सिंपल है, उसके विचले वर्टेक्स की गिनती जे एन आ तो एजिस की गिनती कितनी होगी एन माइनस वन, उसके नालों एक घट होगी, जिन्ने वर्टेक्स ने डिग्री एक घट है, जे चार वर्टेक्स वाला ग्राफ आ तो डिग्री कितनी है तीन तीन आ रही है। सो इहदा मतलब रिजल्ट यह बन गया भी जे कोई सिंपल ग्राफ है जिदे विच एन वर्टेक्स ने तो वध तो वध डिग्री कितनी होगी एन माइनस वन होगी, तो यह मतलब की है पहले की डिग्री कितनी होगी एन माइनस वन, दूजे की डिग्री कितनी होगी वो भी एन माइनस वन, तीजे की भी एन माइनस वन, अखीरले की भी एन माइनस वन, एक कुल किन्ने वर्टेक्स ने एक तो लैके एन तक। हुण जे मैथमैटिक्स दे विच आपां गल करिए बहुतियां चीज़ां नूं ऐड करिए, सेम चीज़ नूं बार बार ऐड करिए, सेम चीज़ नूं बार बार ऐड करिए, जिन्नी बार जोड़िया जाता उन्नी बार उहदे नाल मल्टीप्लाई कर दो। जे मैं तुहानूं कहां भी दो नूं तुसीं पंज वारी आपस च जोड़ लो, दो ते दो चार ते दो छे ते दो अठ ते दो दस आ जाऊगा, जे मैं सीधा ही कह दा भी दो नूं पंज नाल गुणा कर दो तां भी दस आऊगा। सो आपां मैथमैटिक्स का एक सिंपल जिहा रिजल्ट लगा रहे हैं भी एन माइनस वन नूं आपस च जोड़िया गया किन्नी बार जोड़िया गया एन वारी जोड़िया गया, तो आप इहदी जगह ते की लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन, तो लैफ्ट हैंड साइड अपनी किन्नी आ गई एन इंटू एन माइनस वन, ये सज्जे पासे कि बराबर सीगा टू ई दे बराबर सी, तो दोनों नूं दो दे नाल डिवाइड कर दें, इधर किन्ना आ जूगा एन इंटू एन माइनस वन बाय टू, दूजे पासे किन्ना रह जूगा ई, यही तो अपनी थ्योरम होगी एन इंटू एन माइनस वन बाय टू, ई का मतलब की है नंबर ऑफ एजस, यही अपनी थ्योरम सी, शो दैट द मैक्सीमम नंबर ऑफ एजस किसी सिंपल ग्राफ के जिदे एन वर्टेक्स हो एजस की गिनती कि बराबर है एन इंटू एन माइनस वन बाय टू के बराबर आ, तो यही चीज़ आ गया एन इंटू एन माइनस वन बाय टू। हूँ ये देखण में पैराग्राफ जहाँ लगता लाइना जी लगदिया ने, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का की रुझान हों वो एवें कहें भी जी जे मैथ पढ़ रहे हैं तो जोड़ घटा गुणा तकसीम करिए मैथ हों, जरूरी नहीं है कि मैथ उदा का हो, प्योर सबजैक्ट आ मैथ का, ये प्लस माइनस घट है, आर्टिफिशियल चीज़ा ज़्यादा ने अपने को मन के जो दिता हुआ उन्होंने यूज़ करके रिजल्ट प्रूव किया हुआ। हूँ ये देखो आप कि चीज़ा यूज़ करके, एक तो आप सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन यूज़ करके बड़े तौर पर भी सिंपल ग्राफ वो है जी जिदे किसी भी वर्टेक्स की डिग्री किन्नी आ, जे एन वर्टेक्स ने तो एन माइनस वन, एक तो यह डेफिनेशन यूज़ करके, एक आप फस्ट थ्योरम ग्राफ थ्योरी यूज़ करके कि सारे वर्टेक्स की डिग्री का जोड़ दो ई दे बराबर होंगे, तीजे नंबर से आप मैथमैटिक्स का बेसिक रिजल्ट यूज़ करके भी एन माइनस वन नूं एन वारी आपस जोड़िया जाए तो वह एन इंटू एन माइनस टू के बराबर बचता। तो आप तीन चीज़ा वड्डे तौर पर यूज़ करके जो तीन चीज़ा आपां नूं पता सी तां इहदा रिजल्ट कंप्लीट हुंदा, जे उन्हां तिन्नां चों कोई कदी भी मिस हो गई तां आपां नूं पता नहीं लगना। अपने मैथमैटिक्स के सबजैक्ट नूं कंटीन्यूटी की लोड़ है, जिवें हुण ओह लड़का कह रहा भी मैनूं तां पता ही नहीं क्योंकि उन्हें हाँ जी किमें थ्योरम नूं एवें जिवें आ लिखा होया थोड़ियां जिहियां चीज़ां इहदे विच ऐड करांगे, सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन ऐड कर दो, we know that in a simple graph there is no parallel edge and no loop, raj jehda kuch main bol reha ohi ta likhna main likhe da ohi cheez likhni aa, there is no loop and no parallel edge in simple graph, likh la je likhna there is no loop, there is no loop, लूप दे स्पैलिंग एल डबल ओ पी, नो लूप एंड नो पैरल एज, नो पैरल एज इन ए सिंपल ग्राफ, इन ए सिंपल ग्राफ, देयरफोर देयरफोर मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स, देयरफोर मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स इज एन माइनस वन, मैक्सीम डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स इज एन माइनस वन, यदा मतलब की हो गया कि वो तो डिग्री पहले की कि एन माइनस वन आ, दूजे की भी एन माइनस वन आ, अखीरले की भी एन माइनस वन आ, एक किन्ने वर्टेक्स है एन वर्टेक्स ही, तो यदि जगह तो एन गुणा करती, जिनी बार वो चीज़ जोड़ी है उन्ने गुणा करता उन्होंने, तो एन इंटू एन माइनस
वन आ गया, सज्जे पासे टू ई दे बराबर सी तां दो नाल दोनों पासे डिवाइड करके ई दी वैल्यू आ गई। यही अपनी छोटी जी थ्योरम आ, पेपर च आई हुई है कि इहदे च कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ ये दसण की कोशिश कर रहा भी इत्थे इहदे विचों घट चीज़ा निकलणगियां, जिहड़ियां चीज़ां दी डेफिनेशन आ यूज है वह ज़्यादा इंपोर्टेंट रखता। मैं यही गल दस रहा भी आपां इहदे विच वड्डे तौर पर तीन चीज़ां नूं वरत्या आ। पहला तो सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन यूज किया, एक आप फस्ट थ्योरम ऑन ग्राफ थ्योरी की स्टेटमेंट यूज किया, एक आप एन इंटू एन माइनस वन बाय एन इंटू एन माइनस वन किमें आया वह यूज किया। जे इन तीन चीज़ों चो आप एक अद्धी भी नहीं आती तो थ्योरम का कंप्लीट नहीं होना प्रूफ, ठीक है। सो इनू डेरीवेशन बोलते हों, आप डेरीवेशन कहने का मतलब जो जो गल्लां दित्तियां होईयां ने उन्हां तो ड्राइव करके कुछ रिजल्ट पेश किया, तो यह पेश करन दा ढंग आना चाहिए तुहानूं थोड़ी थ्योरम होगी। नैक्सट थ्योरम देखो इहदे नाल दी की है, पंजवीं थ्योरम। पंजवीं थ्योरम दे विच की कहा गया, देयर इज द नंबर ऑफ एजेस इन ए कंप्लीट ग्राफ। हुण कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन आ गई, जिहदे विच एन वर्टेक्स होण उहदी डिग्री किन्नी आ, दुबारा फिर एजेस की गिणती किन्नी आ, एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू आती है। हुण इत्थे कंप्लीट ग्राफ आ गया, पहला तो आपां कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन रिकॉल करनी पेगी, दोबारे याद करना पेगा। कंप्लीट ग्राफ की हुंदा, वो ग्राफ जिहदे विच वध तो वध एज लगाए जा चुके ने, होर एज लगाउण की कोई थां नहीं बचती। जिवें हुण आ ग्राफ है, यह ग्राफ कंप्लीट नहीं है क्योंकि ए तो सी दे विचकार नहीं एज हैगा, बी तो डी दे विचकार नहीं एज हैगा। यह की हो गया, यह अपने कोले के फोर बाकी, के फोर आ, के फोर का मतलब चार वर्टेक्स वाला कंप्लीट ग्राफ। जे मैं के वन की वरतों करदा, के वन का मतलब सिंगल डॉट है, के वन का मतलब एक वर्टेक्स वाला कंप्लीट ग्राफ। जे मैं के टू की गल करदा, के टू की चीज़ आ, एक स्ट्रेट लाइन के दो एंड पॉइंट ने, दो वर्टैक्स ने, इन दे विचकार एक एज लग्या होया, होर एज लाने की थान नहीं हैगी क्योंकि सारे एज लग चुके। जे मैं के थ्री की गल करदा, के थ्री का मतलब की हो गया, जिमें ट्रैंगल जी ड्रॉ कर ली आप, तीन वर्टैक्स वाला कंप्लीट ग्राफ जिदे आ चीज़ा लगे हुई ने। जे मैं के फोर की होर कोई एग्जाम्पल लाव, के फोर की होर कोई एग्जाम्पल आ होगी, लो जी आ भी के फोर आ, वर्टैक्स चार वर्टैक्स ने, एक दो तीन चार सारे एज लग चुके, आ विचकारला पहले नाल भी आ, दूजे नाल भी आ, तीजे नाल भी आ, यह पहले नाल भी आ, दूजे नाल भी आ, यह तीजे नाल भी आ, यह इहदे नाल भी आ, यह पहले नाल भी आ, यह तीजे नाल भी आ। इहदी जे गल करिए विचकारले नाल भी आ, यह उपरले नाल भी आ, यह इहदे नाल भी आ। जे आपां के फाइव की गल करिए, पंज वर्टैक्स वाला कंप्लीट ग्राफ, एक दो तीन चार पंज, यह हले कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जिमें मान लो आ ए आ, बी आ, सी आ, डी आ, ई आ, जिहड़ा ए आ वो बी नाल तां मिलदा, बी नाल नहीं मिलदा, ए सी नाल मिलदा, ए डी नाल मिलदा, ए बी अते ई नाल मिलाउणा रहिंदा हले, उवें ही सी आ जिहड़ा बी नाल अते डी नाल मिलाउणा रहिंदा, उवें ही डी दी गल करिए, डी सी नाल तां मिल गया पर डी ई नाल नहीं मिलिया, हुण इह के फाइव बणिया। पहला तो कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन दोबारा तो लिखो, इतने जो मैं पहला दसिया इतने तुम लिख सकते हो, सिंस एवरी वर्टैक्स इन ए कंप्लीट ग्राफ इज ज्वाइंट विद एवरी अदर वर्टैक्स थ्रू वन एज। कि कंप्लीट ग्राफ की होंदा, जिदे विच एवरी वर्टैक्स, एवरी का मतलब हरेक वर्टैक्स की गल हो रही है, हरेक वर्टैक्स जुड़िया होया या एवरी अदर वर्टैक्स के नाल, होर एजस के नाल, एक एक एज की मदद के नाल जुड़िया होया। कंप्लीट ग्राफ की आ जिदे विच हरेक वर्टैक्स बाकी दे वर्टैक्स के नाल जुड़िया होया एक एक एज की सहायता दे नाल। इहदा मतलब द डिग्री ऑफ एवरी वर्टैक्स, ध्यान दो इधर, द डिग्री ऑफ एवरी वर्टैक्स इन ए कंप्लीट ग्राफ ऑफ एन वर्टैक्स इज एन माइनस वन। कंप्लीट ग्राफ के विच भी जे एन वर्टैक्स ने तो हरेक वर्टैक्स की डिग्री कितनी होगी, एन माइनस वन होगी। जिमें इधर एक वर्टैक्स है तो ये जीरो डिग्री है, ये दो वर्टैक्स ने तो दोनों की एक एक डिग्री है, ये भी एक एज लग्या होया, ये भी एक एज लग्या होया, आ तीन एज वाला ग्राफ आ,
ਇੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਦੋ ਦੋ ਆ, ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੋ ਆ, ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੋ ਆ, ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੋ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੋ ਦੋ ਆ। ਤਿੰਨ ਵਰਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਆਹ ਚਾਰ ਵਰਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਆਹ ਵੀ ਚਾਰ ਵਰਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਵਰਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਤਿੰਨ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਤਿੰਨ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਿੰਨ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਤਿੰਨ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਆਹ ਪੰਜ ਵਰਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ, ਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ, ਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ, ਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵਰਟੈਕਸ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਦਾ ਪਰੂਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਮੈਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਸਟ ਥਿਊਰਮ ਔਨ ਗ੍ਰਾਫ ਥਿਊਰੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਥਿਊਰਮ ਔਨ ਗ੍ਰਾਫ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਰਟੈਕਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਦੂਜੇ ਵਰਟੈਕਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਪ ਟੂ ਸੋਨ, ਅਖੀਰਲੇ ਵਰਟੈਕਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਦੋ ਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਹੁਣੀ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਰਟੈਕਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਵਨ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਅਰਫੋਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਵਨ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਵਨ, ਅਪ ਟੂ ਸੋਨ ਅਖੀਰਲੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਵਨ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਦੋ ਈ ਦੇ। ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਐਨ ਟਾਈਮਸ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਨ ਤੱਕ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਸ ਵਾਰੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਤੱਕ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਹ ਵਾਰੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਨ ਤੱਕ ਆ ਤਾਂ ਐਨ ਵਾਰੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ, ਐਨ ਇੰਟੂ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ, ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਵਨ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਟੂ ਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਆਹ ਦੋ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ, ਐਨ ਇੰਟੂ ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਵਨ ਓਵਰ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਥਿਊਰਮਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੇਨ। ਇੱਕ ਥਿਊਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੰਪਲ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ, ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਨ ਵਰਟੈਕਸ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਜ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਨ ਇੰਟੂ ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਓਵਰ ਟੂ। ਇੱਕ ਪੰਜਵੀਂ ਥਿਊਰਮ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਵਰਟੈਕਸ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਜ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਨ ਇੰਟੂ ਐਨ ਮਾਈਨਸ ਓਵਰ ਟੂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੜਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਪਣੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜੂ ਪਰ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਮੈਥ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਆਏ ਹੋ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, 15-20 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਚਾਹੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਨਾ, ਇਕੱਲਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਾਫੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ